कोरोना को लेकर सागर में पिछले 3 दिनों से राहत देने वाली खबर ये है कि इस संक्रमण की वजह से किसी की जान नहीं गई है। हालांकि इस वायरस की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या में ज्यादा कमी नहीं आई है। शुक्रवार को एक बार फिर 61 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि की गई है। जिले में अब तक 2280 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1398 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं तो 96 लोग अभी तक काल के गाल में समा चुके हैं। बीएमसी के डॉक्टर सुमित रावत ने बताया कि 5 लोग विद्यापुरम कॉलोनी से, 5 लोग देवरी से, 4 मकरौनिया, 3 लोग बीना, 3 शाहगढ़, 3 कृष्णगंज वार्ड, 2 सिविल लाइन, 2 गोपालगंज, 1 पोद्दार कॉलोनी, 1 मोहन नगर वार्ड से, 3 शास्त्री वार्ड, जैसी नगर, ढाना, खुरई, बीना, सदर, कैंट, पुलिस लाइन, नरियावली, चंद्रशेखर वार्ड क्षेत्र से कोरोना के मरीज मिले हैं। आज दिनांक 25 सितंबर 2020 को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की लैब और एंटीजन टेस्टिंग, इसके अलावा कुछ अन्य लैबों से जो रिपोर्ट अभी तक प्राप्त हुई है, इसमें सागर से 61 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा 8 लोग जिनका इलाज चल रहा था ये स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और अभी लगातार 2-3 दिन से आप देख रहे हैं किसी भी मृत्यु की सूचना नहीं है। तो इसमें खास तौर से मैं हमारे जो आदरणीय अधिष्ठाता महोदय हैं उनकी जो उनके द्वारा मेहनत की जा रही है, लगातार वार्डों में सब चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारी टीम है डॉक्टर्स की, जैसे हमारे डॉक्टर रमेश पांडे हैं, डॉक्टर तला साहब हैं, डॉक्टर मनीष जैन हैं, लगातार इनके द्वारा मेहनत की जा रही है तो काफ़ी हद तक उनकी मेहनत का असर दिख रहा है। और मरीज भी अगर समय से आते रहें तो उम्मीद करता हूं कि हमें ऐसे ही समाचार मिलते रहेंगे, सभी लोग ठीक होके घर जाते रहेंगे। तो आज का अपडेट मैं आपको डिटेल बता देता हूं। पहले जो मरीज हैं 54 वर्षीय पुरुष, ये कटरा वार्ड सागर से, दूसरे 55 वर्षीय पुरुष मकोनिया से, तीसरे 31 वर्षीय पुरुष पुलिस लाइन अस्पताल रोड सागर, चौथे जो हैं 26 वर्षीय पुरुष रेलवे कॉलोनी, पांचवे जो हैं 39 वर्षीय पुरुष सागर कैंट, छठवे जो हैं 30 वर्षीय पुरुष कशखेड़ा देवरी से, इसके अलावा 60 वर्षीय पुरुष ढाना से, 45 वर्षीय पुरुष मकरौनिया विद्यापुरम, 45 वर्षीय महिला शाहगढ़ एवं 45 वर्षीय महिला सागर, 16 वर्षीय बालक सदर बाजार सागर और 32 वर्षीय पुरुष शंकरगढ़ मकरौनिया, इसके अलावा 26 वर्षीय महिला कृष्णगंज वार्ड, 32 वर्षीय पुरुष आईटीआई के पास सागर, 35 वर्षीय पुरुष कृष्णा नगर मकरौनिया, 24 वर्षीय पुरुष सेंट्रल जेल के पास, 30 वर्षीय महिला चंद्रशेखर वार्ड, 44 वर्षीय पुरुष विद्यापुरम मकरौनिया, 40 वर्षीय महिला ये भी विद्यापुरम एवं 7 वर्षीय बालिका, 8 वर्षीय बालिका, 68 वर्षीय पुरुष, ये सभी विद्यापुरम से हैं। इसके बाद 39 वर्षीय पुरुष परख पवित्र डॉक्टर के पास, इसके अलावा 65 वर्षीय पुरुष गुरु गोविंद सिंह वार्ड, 34 वर्षीय पुरुष सनराइज मेगा सिटी, 35 वर्षीय महिला एवं 36 वर्षीय पुरुष सिविल लाइन, 6 वर्षीय बालक सिविल लाइन, 33 वर्षीय महिला ये भी सिविल लाइन, 36 वर्षीय पुरुष पोद्दार कॉलोनी, 32 वर्षीय पुरुष जिरुआ खेड़ा, 90 वर्षीय वृद्ध पुरुष ये शाहगढ़ से, 18 वर्षीय युवक लखनखेड़ा खुरई, 35 वर्षीय पुरुष शास्त्री वार्ड खुरई, इसके अलावा 40 वर्षीय महिला सुखचैन वार्ड, 38 वर्षीय महिला महाकाली वार्ड, 50 वर्षीय महिला 50 वर्षीय पुरुष एवं 21 वर्षीय पुरुष फील्ड हॉस्पिटल सागर, 45 वर्षीय पुरुष मकरौनिया, 55 वर्षीय पुरुष करीला, 44 वर्षीय पुरुष छोटा करीला, 41 वर्षीय महिला शास्त्री वार्ड करीला, 45 वर्षीय पुरुष मोहन नगर वार्ड, 49 वर्षीय पुरुष बमोरी, 21 वर्षीय महिला नरियावली नाका, 40 वर्षीय पुरुष नरियावली नाका,
इसके अलावा 55 वर्षीय महिला बाहुबली कॉलोनी और 33 वर्षीय पुरुष स्टेट बैंक कॉलोनी। इसके बाद 41 वर्षीय पुरुष यश विहार, 65 वर्षीय महिला करीला, 44 वर्षीय पुरुष और 40 वर्षीय पुरुष जैसी नगर, 64 वर्षीय महिला महाकाली वार्ड, 36 वर्षीय महिला झुनकू वार्ड देवरी, 16 वर्षीय बालिका एवं 12 वर्षीय बालक ये सभी झुनकू वार्ड देवरी, 38 वर्षीय महिला कृष्णगंज, 40 वर्षीय पुरुष कृष्णगंज, 58 वर्षीय पुरुष श्रीरामनगर एवं आखिर में 66 वर्षीय पुरुष नरयावली सागर। तो आज का यही अपडेट है, सबसे यही अपील करूंगा सावधानी बनाए रखें, कोई तकलीफ होने पे जल्दी से जल्दी अपना इलाज कराएं ताकि आप स्वस्थ होकर घर जा सकें। नमस्कार।